नमस्कार, आप देख रहे हैं SN7 न्यूज़। मैं अजीत सिंह, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ विधानसभा से। जो आपको बता दें, कैंट विधानसभा है, एक जानी मानी विधानसभा है, और इसमें जो बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं, अमित अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। तो हम जानेंगे किस तरह से कैंट की, जैसे वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और क्या समस्याएं लगातार जो कैंट क्षेत्र में बनी हुई हैं, और किस तरह से जनता का समर्थन उनको यहाँ पर मिल रहा है, हम सर से जान लेते हैं। नमस्कार। अपार जन समूह मेरा स्वागत करता है, मुझे अपना प्यार देता है, और मैं कल जब नामांकन करने जा रहा था तो सड़कों पर नागरिक, दुकानदार, मकानों से लोग, महिलाएं, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब हर्षनाद कर रहे थे, जैसे कि उनके दिल की मुराद पूरी हुई हो। और आपने खुद देखा होगा कि कितना खुशी की लहर है। और आप कहने समस्याएं देख रहे होंगे, समस्या तो मेरठ कैंट में है नहीं कोई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, 2014 में आ गए केंद्र में, 2017 में आ गई प्रदेश में। जो समस्याएं थी उनका हमने निपटारा कर दिया। समस्या थी छेड़खानी की, समस्या थी बच्चियों को तंग करने की, समस्या थी महिलाओं का कुंडल खींचने की, समस्या थी महिलाओं की चेन खींचने की, समस्या थी गऊ काटने की, समस्या थी सोतीगंज में जानवरों के बजाय वाहनों का के मिलेगी, उस समय सबको हमने समाप्त कर दिया है। हमने बच्चियों को पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान की है, बच्चियां खुद पढ़ने जा रही हैं स्कूल, बहुत खुश हैं सब। अब जो है ना, कोई बैंक से पैसा लाता है उसका पैसा लूटता है, ना कोई रंगदारी मांग सकता है, ना कोई फ़ोन कर पाता है कि हमें इतने पैसे दे जाओ। अब वो सब जो है तो जेल में, और या भाग गए रेल में, और रेल में पहुँच गए कांग्रेस की जहाँ सरकार चलती होगी वहाँ जाते होंगे वो लोग, राजस्थान जैसे प्रदेशों में। मैं कैंट क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहता हूँ, कैंट के क्षेत्र का विकास हम गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद की तर्ज पर करेंगे। यहाँ एक औद्योगिक वातावरण हम बनाएंगे, जिससे कि मेरठ प्रगति कर सके, बच्चों को यहाँ रोज़गार मिल सके, स्वरोजगार की तरफ नौजवान बढ़ सके। मोदी जी ने कौशल विकास योजना चलाई है, वो बच्चों को हुनर मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बने, ऐसी योजना तैयार करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के लिए स्वावलंबन, कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए, और इस तरह की सब योजनाएं जो मोदी जी की चल रही हैं, मकानों को, गरीबों को मकान दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास में मकान दिए हैं, फ्री में वैक्सीनेशन लगा है, मेरठ की दूरी दिल्ली से कम हो गई है, 1 घंटे की दूरी रह गई, 3.5 घंटे में पहुँच पाते थे, लखनऊ भी अब दूर नहीं, 4 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे 2 साल के अंदर, प्रयागराज भी 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो दिल जैसे कि शहरों की दूरियां कम हो रही हैं, हमने दिलों की दूरियां भी कम की हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विश्वास हमने जीता है। ये कायम रह सके, ये कंटिन्यू रह सके, इसके लिए मेरी जनता से ये अपील है कि वो अपने पड़ोसियों का, अपने मोहल्लेदारों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने नातेदारों का, अपने दोस्तों का, सबका वोट कमल के फूल पर डलवाएँ और अधिक संख्या में निकल कर सुबह ही 10 बजे तक मतदान पूरा करें। 26 जनवरी भारतीय संविधान लागू हुआ, 1947 में हम स्वतंत्र हुए और 1950 में हमारा अपना कानून, अपना खुद का संविधान लागू हुआ। तो ऐसे गणतंत्र की मैं अपने नागरिकों को, देश के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को, और मेरठ शहर और मेरठ कैंट के नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो इस लोकतंत्र में खुशहाल रहें, इस लोकतंत्र में वो प्रगति करें, उनकी आजीविका अच्छी चले और वो स्वस्थ रहें।